हेलो एवरीवन, आज फिर हम लोग क्लास 10th के बीबोस का जो एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का, उसके साइंस के पेपर के साथ हैं। और ये देखिए, ये बीबोस के साइट का पेपर है और हम लोगों ने ये सारा प्रश्न जो है वो कर लिया है। आज हमारा जो प्रश्न का मुख्य बिंदु होगा वो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं। आज हम लोग उसको करेंगे और उसके बाद फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम लोग। तो चलिए, आज हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके बीबोस एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल पे वीडियो बना रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि आपके एग्जाम तक बीबोस का पूरा सिलेबस कम से कम इतना खत्म हो जाए कि आप अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। और उसके लिए चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे में जो दिया हुआ है इस जगह पे, कि गति का तृतीय नियम क्या है। तो गति का जो तृतीय नियम है गति का तृतीय नियम क्या है? तो देखिए, गति का जो तृतीय नियम है वो ये है कि अगर किसी भी कोई भी क्रिया होती है, ठीक है, हर एक क्रिया की एक बराबर, आपको साथ साथ लिखते भी चलना है, हर एक क्रिया की एक बराबर प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे कि अगर दो वस्तु है एक साथ, ठीक है, और दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है, तो अगर ये वस्तु इस पर बल लगाएगी, तो अगर वस्तु ए जो है वो वस्तु बी पर अगर बल लगा रही है इस दिशा में, तो जो वस्तु बी होगी वो भी बल लगाएगी ए पर लेकिन विपरीत दिशा में। ए से बी की दिशा क्या है? ये है। और बी से ए की दिशा क्या है? ये है। यही गति का तृतीय नियम है, इसको न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला जाता है कि हर एक क्रिया की एक बराबर प्रतिक्रिया होती है परंतु एक विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जड़ता को परिभाषित करें। तो जड़ता होती क्या है उसको पहले हम लोग जानेंगे, तब तो जड़ता को परिभाषित करेंगे। तो जड़ता होती क्या है पहले ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी रुके हुए, जैसे गाड़ी पर अगर रुके हुए हैं, गाड़ी अगर रुका हुआ है, और आप मान लीजिए ये गाड़ी है और ये रुका हुआ है और आप इसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जब गाड़ी रुक के अचानक चलती है तो आप पीछे की तरफ झटका लगता है आपको, या चलते चलते रुकती है तो आगे की तरफ झटका लगता है, या आप कभी चलते बस से, वैसे कूदना नहीं चाहिए, उतरना नहीं चाहिए, लेकिन आप कभी चलते बस से उतरेंगे तो आपको लगेगा कि आपको पीछे की तरफ झटका लगा। अगर बस का गति जो है वो इस डायरेक्शन में है और आप उतरेंगे, नहीं आगे की तरफ, सॉरी, अगर उतर जाते हैं तो आपको लगेगा कि आगे की तरफ झटका लगा। तो इसी को भौतिकी के टर्म में, भौतिकी में हम लोग क्या कहते हैं? जड़ता या जड़त्व। तो देखिए, जड़त्व क्या होता है ना, कि ये हर एक पिंड का, हर एक बॉडी का, हर एक वस्तु का एक गुण होता है, ठीक है, जो जो बोल रहे हैं आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। जड़त्व जो होता है किसी भी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है, ठीक है। जैसे अगर वो रुका हुआ है, ठीक है, अगर वो रुका हुआ है तो आप उसको चलाने का कोशिश करिएगा तो वो विरोध करेगा। जैसे अगर अभी गाड़ी रुका हुआ है, ठीक है, और ये व्यक्ति भी साथ में रुका हुआ है, तो जब आप गाड़ी को आगे चलाएं तो ये व्यक्ति अपने पूर्ण स्थिति में ही रहने का मतलब कोशिश किया, इसीलिए ये पीछे रह गया क्योंकि ये रुकना चाह रहा था। नीचे वाला हिस्सा जो है इस व्यक्ति का, जो नीचे का हिस्सा है वो तो चलने लगा गाड़ी के साथ साथ, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा जो है वो रुकना चाह गया। तो आपको जड़त्व तो समझ आ गया होगा कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, विराम अवस्था में है, या फिर एक समान गति की अवस्था में है, किसी भी अवस्था में है, तो अगर उस पर कोई बाहरी बल लगेगा उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए, तो वो उसका विरोध करेगा। यही जड़ता है, ठीक है। अब अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि क्या होती है, इको किसे कहते हैं। तो देखिए,
कभी कभी आप किसी जगह पर जाकर चिल्लाते होंगे तो आप ही का आवाज आपको दोबारा सुनाई देता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे आवाज जो है तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है, आवाज जो है तरंगों के रूप में चलती है। और कौन सी तरंग होती है ध्वनि? अनुप्रस्थ तरंगे, सॉरी अनुधैर्य तरंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो ध्वनि होती है वो अनुधैर्य तरंगे होती है। तो क्या होगा कि ये जो अनुधैर्य तरंगे हैं वो ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है, और किसी भी माध्यम से अगर उसमें टकराव होगा, किसी भी चीज से अगर वो टकराएगी तो ध्वनि का परावर्तन होगा और आप पुनः उसी आवाज को सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पुनः सुनना होता है ना, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि को जो पुनः हम लोग सुन पाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिध्वनि, ठीक है। अब यहां पर एक चीज होता है कि परिध्वनि करने के लिए मान लीजिए कि यहां से आवाज जो है उत्पन्न हो रहा है, तो परिध्वनि कब सुनाई देगा? जिस सतह से ये आवाज टकरा कर वापस आ रही है वो सतह जो है 17.2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवाज का जो सोर्स है, जहां से आवाज उत्पन्न हो रहा है, और जो सतह जिससे कि आवाज परावर्तित होगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वो न्यूनतम दूरी होगी 17.2, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 17.2 मीटर के न्यूनतम दूरी पर आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के नियमों को लिखें। तो देखिए, पहले आप समझिए क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक सतह है, ठीक है, ये ऐसे एक सतह है, ठीक है। अब इस सतह पर किसी जगह से ऐसे ध्वनि आकर ऐसे टकराई, ठीक है, इस तरीके से ध्वनि आकर इस पर टकराई। उसके बाद दूसरा चीज क्या होगा? फिर ये टकराने के बाद इसी जगह से ये ध्वनि जो है इसका रंग बदल देते हैं, ये परावर्तित ध्वनि ऐसे जो इसी जगह से क्या होगी कि ध्वनि जो है वापस जाएगी, ठीक है। ये आने वाली ध्वनि हो गई और ये जाने वाली। इसी सतह से एक हम लोग लंब बनाएंगे, इसी सतह से एक लंब का निर्माण करेंगे इस तरीके से। अब यहां पर आप अच्छे से समझिएगा कि क्या होगा। ये जो है ये कौन सी ध्वनि है? ये आपति ध्वनि तरंग है। ये ध्वनि तरंग आ रही है, ठीक है। ये कौन सी है? परावर्तित ध्वनि तरंग है, ये लाल वाली। तो अब इसका आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला जो परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो जो पहला नियम होगा परावर्तन का क्या होगा? अब यहां देखिए, ये एक कोण बनेगा और ये दूसरा कोण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। जो आपति ध्वनि और लंब के बीच का कोण होगा उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित ध्वनि और लंब के बीच का कोण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम जो होगा इसमें वो ये होगा कि आपति ध्वनि मतलब ये लंब और परावर्तित ध्वनि तीनों जो है वो एक ही सतह पर होगी, ठीक है। और जिस सतह पर ये जो बिंदु है, जिस जगह पर ये होगी, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ये बार बार चला जा रहा है। जिस बिंदु पर ये तीनों की तीनों रेखाएं मिलेंगी उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, मतलब जिस पर आकर वो गिर रही है, ठीक है। संस्कृत में पतती का मतलब गिरना होता है, तो आपको याद रहेगा कि जिस बिंदु पर आकर वो आपतन रेखा गिर रही है। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतन रेखा और अभिलंब और परावर्तित रेखा, परावर्तन रेखा तीनों एक ही सतह पर होगी और उस सतह पर जो आपतन बिंदु होगा वहां पर होगी। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि जो आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण हुआ,
वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से ऐसे दिखाते हैं और इसको परावर्तन को आर से। तो याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको परावर्तन के नियमों का अंदाजा हो गया, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में अगर कहें तो इंसिडेंट इंसिडेंट जो आपका वेव है, साउंड वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए सवाल पूछ रहे हैं कि एक एम्पियर और एक कूलम में संबंध बताएं। तो देखिए एक कूलम जो होता है, ये मान लीजिए कि एक सुचालक है, विद्युत का चालक या सुचालक। इसमें से अगर एक सेकेंड में अगर एक कूलम्ब आवेश अगर इससे प्रवाहित होता है, तो हम बोलेंगे कि एक एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। तो आपको सीधा याद रखना है कि एक एम्पियर जो होता है एक कूलम बटा एक सेकेंड होता है। बस आपको याद रखना है, आसान भाषा में बता रहे, एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटा में एक सेकेंड। मतलब किसी भी चालक से अगर एक सेकेंड में एक कूलम का आवेश अगर प्रवाहित होता है, तो हम कहेंगे कि एक एम्पियर का करंट वहां से प्रवाहित हो गया, एक एम्पियर का विद्युत जो है विद्युत प्रवाहित हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दो उपाय सुझाएं। तो विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दो उपाय कौन कौन से हैं? पहला है आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज जिसको कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज या विद्युत फ्यूज। दूसरा क्या है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में भी एमसीबी, इस तरीके से एमसीबी। और तीसरा क्या होता है? भू संपर्क तार। भू संपर्क तार यानी कि अर्थ वायर, आपको याद रखना है अर्थ वायर, भू संपर्क तार। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है किसी भी अगर ये पहले तो जान लीजिए विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ वो रास्ता है जिससे कि विद्युत प्रवाहित होता है, ये इस तरीके से जो होता है, इस पूरे के पूरे रास्ते को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो जिस रास्ते से विद्युत प्रवाहित होता है उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। और इसमें क्या है ना कि इसमें दो तीन तरीके का, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज है, एमसीबी है और भू संपर्क तार, इन सब चीजों को जोड़कर इसको सेफ किया जाता है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत परिपथ में सुरक्षा के उपाय क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, एमसीबी और भू संपर्क तार। देखिए हो सकता है कि हम एक ही सवाल बार बार बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इन पेपरों से सवाल आता है और आपका ये सब सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं यहां पे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो। तो याद रखिएगा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है वो भी हर बार नहीं बनाता है। कब बनाएगा? जब वस्तु जो है वो फोकस और पोल के बीच में अगर रहेगी। अभी आपको इतना समझाएंगे न्यूमेरिकल के समय में, अभी बस इतना समझ लीजिए कि कौन सा दर्पण है जो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। इसी कारण से अवतल दर्पण को हम लोग हजामी दर्पण भी कहते हैं, जो नाई लोग होते हैं इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग हजामी दर्पण भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
उम्मीद है आपको इन वीडियो से काफी फायदा मिल रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके नीचे बताइए कि नहीं आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है, ताकि हम और वीडियो बना सके। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।